भाई, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग जा रहे हैं कुक्स, सुबह सुबह। और आज हम लोग जा रहे हैं चीकी को लेके। चीकी हो चुकी है फुल ऑन गुंडी, एक नंबर की बड़ी वाली गुंडी हो चुकी है। उसको रोड में जो दिख रहा है उसी तरफ हाथ कर कर के पकड़ने की कोशिश कर रही है। घर पे अभी क्या हुआ पता है? उसने कुछ वायर पकड़ के खींचा और सीधा, और ऊपर से इतना बड़ा वो प्लग पॉइंट्स होता है ना, इतना बड़ा सा मल्टी चार्जर होता है ना, टिक 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 बहुत सारा। हमारा वाला नहीं, दूसरे कमरे का, धड़ाम से नीचे गिरा। हाँ, उसके एकदम सर के पास। अगर एक मिलीमीटर भी इस तरफ गिरता उसके सर के ऊपर गिरता। चीकी, चीकी शू, चीकू, दीपिशा, टोपी, इतनी धूप में टोपी। ये बड़ी गुंडी हो चुकी है गुरु, बहुत ही मुश्किल। बाबा उस आदमी ने तुरंत टाइम पे बोला एग्जैक्टली। ये निकाल दिया, वाह। ये सब फेंकते फेंकते जाएगी अभी। टोपी क्यों उतार रही है? पहनाओ टोपी। दीविशा, अकॉर्डिंग टू दिस इज हियर। वाह, ये देखो वो वाली साइकिल, इसमें हम दोनों को बिठा के तुम चला सकते हो। और ये रेंट पे मिलता है, अर्बन एरो। लियाना के आंख में, आईब्रो में मच्छर काट दिया तो इसलिए उसकी आंख सूज गई। तो आज उसको घर पे आराम दिया और हम चिकीशु को लेकर आए हैं, क्योंकि चिकीशु थोड़ी बड़ी हुई है और बहुत गुंडी हो गई है, क्या क्या तो सब कर रही है। तो घर पे लोग थोड़ा सा काम कर पाएंगे अगर हम इसको लेके बाहर निकलेंगे तो। वाह, मैं मेरी फेवरेट जगह पे पहुंच चुकी हूँ। ब्रेक की नहीं, इसकी आ रही है। Freshly baked croissant. Avocados and Divisha, Divisha को सारे फ्रूट चाहिए। दीपुशी, ये तुम्हारा है, लो। ठीक है, चल। ठीक है मुझे। हो गया, और कुछ लेना? और कुछ लेना? मैं कुछ फ्रूट्स ले लो, तुम ओट्स में घुसा के खाओगे। और फ्रूट्स ले लिया मैंने, और वो लेना है। हाँ, तो योगर्ट, योगर्ट ले लेते। प्लीज टेक दिस वन इंस्टेड ऑफ दैट वन। क्या है तुमको, गोदी में आना है? इसको उसके सामने रख दो। ये लो, तुमने शॉपिंग किया है, ये तुम्हारा शॉपिंग है चिका। ओके, वेट। नहीं तो क्रिस्पी क्रूसॉन लो ना, मैक्सी क्रूसॉन, मतलब विशाल बड़ा। इसका साइज देखो क्रूसॉन। मेरे हिसाब से ये ले सकते हैं, नहीं एक ही काफी है, फिर देखते हैं ना। और तो बात नहीं कर पाएंगे, घर पे करेगी। हाँ। हेलो एवरीवन, दिस गुरमीत चौधरी एंड आप देख रहे हैं आज तक क्या हुआ स्विट्जरलैंड में। मुझे लगा कि अचानक ही देबिना बोला, देबिना एकदम न्यूज चैनल की एंकर बन गई है। लेकिन कल हम पूरी फैमिली इतनी थक गए थे, इतने थक गए थे, मैं तो बहुत मुश्किल से थकता हूँ, लेकिन इतना सारा सामान उठा उठा के मेरे रात को इतना पेन हो रहा था
कि घूमना तो मतलब आज मैंने सोच ही लिया था कि बच्चों को सबको रेस्ट देंगे, सब लोग बहुत थक गए थे तो आज सबको रेस्ट दे दिया है। अभी हम दोनों दोपहर को खुद ही ब्रेकफास्ट बना के, खुद ही ब्रेकफास्ट का शॉपिंग करके कूप से आए, सबको खाना पीना खिलाया और अभी देवी ना मुझको लेके जा रही है पता नहीं कहीं। बस मैं चल रहा हूँ, सिर्फ जा रहा हूँ। गुरु तुम बहुत बड़े झूठे हो। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैंने आज एक उबर बुक किया है। हमारा जो स्विस पास था वो कल तक ही वैलिड था। आई थिंक ये अपनी गाड़ी आ रही है, नहीं मेरी गाड़ी सीधी आएगी। वो हमारी गाड़ी आ गई है, रोड क्रॉस करो, इधर देख के उधर देख के। हेलो हेलो, हाउ यू डूइंग? फाइन एंड यू? आई एम गुड थैंक यू। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम एरिट्रिया। फ्रॉम वेयर? एरिट्रिया। इट्स इन अफ्रीका राइट? यस। We are from India, Mumbai. Mumbai? Yes. Okay. Namaste. Oh, thank you. Namaste. Namaste. Kya matlab hai? Kya matlab? Arre wah. How do you know so much? Okay. All Africans, they see Indian film. Oh, now okay. It's changed. It's American. One from India, his name is Ajit. Ajit? He has assassine. Yes, South Indian actor, yeah. Ajit. Mumbai is a hub of Bollywood. All the movies, all the producer, directors, producer, everyone is shuru in Mumbai. For many years, they are हमारी सिनेमा ने हमें हर जगह फेमस करके रखा है, and I feel so proud that we belong to that fraternity. Mali, itna sa, but yeah. A few moments later. The ticket for the 315 for 2. Okay. Okay. आज मैं निकली हूँ एकदम याहू करके बच्चों को घर पे छोड़ के, क्योंकि बच्चे रेस्ट ले रहे हैं आपको पता है। तो आज हमने सोचा हॉप ऑन हॉप ऑफ तो करेंगे, लेकिन हम कल भी है जिनेवा में, परसों भी और तरसों भी है, तो और 3 दिन है तो फिर कर लेंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं यू नो एक बोट क्रूज करने, विच इज कॉल्ड द वाइन एंड चीज क्रूज। तो 1 घंटे का क्रूज होता है, जिनेवा लेक में घुमाते हैं छोटी सी बोट और उसमें बैठे बैठे हम पियेंगे वाइन। तो ये मम्मा को भी तो थोड़ा ब्रेक मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं दोस्तों? पर बच्चों को बीच बीच में रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आज मम्मा एंड पापा निकले हैं रोमांटिक बनने। थोड़े दिन के बाद ऐसे घूमेंगे हम लोग। लियाना एंड चिकिशा, चिकिशा एंड लियाना, जो भी है। ये वही जगह जहाँ पे लियाना झूल रही थी, इतनी मस्ती कर रही थी। अभी बंद हो गया, लगता है शाम को खुलेगा। आई थिंक सही है यार, धूप में बच्चों को शाम को ही लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे दिन तो रहता है 8 बजे तक, तो 8:30 बजे तक आपको रोशनी रहेगी। तो आई गेस इस टाइम पे दोपहर में अच्छा है कि मैं और देवीना घूमने निकल जाते हैं। बट देवीना का बस चले तो वो 24 घंटे बच्चों के कहाँ एक यहाँ वो चिपका के घुमाते रहे। मुझे बोलना पड़ता है अभी धूप है, अभी थक गए होंगे, रिलैक्स हो जाओ। ऐसे ऐसे बच्चों के लिए इमोशन होता है। यही है। हाय। या दिस वन। दिस वन या। सॉरी। दिस वन। कौन बैठे हैं? थैंक यू। एक तो इनकी भाषा समझ में नहीं आती, क्रेन बोल रहे हैं, हमें लग रहा है ग्रे। ये देखिए, ये है क्रेन जिसके बारे में सब बोल रहे हैं। इस क्रेन को तो मैं ध्यान ही ना दूं। मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा सा क्रेन होगा इधर। अच्छा, क्रेन के लेफ्ट में ये है। ये है हमारा छोटा सा बोट। ये है। आप ये जितने भी बोट देख रहे हो, ये सब प्राइवेट होते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं और सन बाथ लेने के लिए एकदम लेक के बीच में चले जाते हैं और वहाँ पे पार्क करके वो सीधा नहाते हैं, बियर पीते हैं, वाइन पीते हैं। हाउ कूल लाइन।
आपकी देबिना डिकोड्स वहाँ है। बॉस सब लोग बैठने भी लगे हैं। पता चला देबिना निकल जाएगी डीडीएलजे की तरह, वो तो ट्रेन में गई थी। सिमरन देबिना यहाँ पे इस वाले छोटे से बोट में चली जाएगी। हाय। ओके। थैंक यू। वाओ हमारे लिए सबसे अच्छी जगह दी गई है। तुम्हारे पीछे पूरा ब्यूटीफुल इससे ज्यादा फोटो बनता है। ये फाउंटेन मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइप अगर लीक हो जाए ना कहीं से तो पतला सा एक निकलता है ना, वो है। चीज एंड दीज आर लाइक चीज कुकीज मुझे ट्विस्टी। दूर में यहाँ पे देख सकते हो लेक पे सब लोग हम लोग अक्सर जब भी यूरोप में होते हैं तो हम ऐसे ही बोट ढूंढते हैं जहाँ पे लंच हो या डिनर हो। ये तो शुरुआत है पेरिस में। हम आपको एक्चुअली जो ऑथेंटिक जो जगह है जहाँ पे सारी फैमिली आती है, एक बड़ा सा बोट होता है वहाँ पे। प्रेजेंटेशन बहुत अमेजिंग था। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये प्लास्टिक के ग्लास में, प्लास्टिक के टिफिन बॉक्स में थोड़ा सा कम मजा आ रहा है, पर ठीक है, मजा करने वाले को हर जगह मजा आ जाता है। बाबा यहाँ पे इतना लहर क्यों? क्रूज गया ना? वो बड़ा सा क्रूज। अच्छा, तो बड़े क्रूज में तो चढ़ सकते हैं ना पीनू को लेके, पर मेरा बहुत मन है पीनू को लेके इसको चढ़ू। तो उसी बात पे एक्चुअली मैंने गुरु मुझे बोल रहा था कि हम लोग ऐसे ये किया था, याद है कि नहीं, तो आप लोगों को यहाँ से डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं। उस टाइम पे मैं इतना एक्सटेंसिवली लॉगिंग नहीं करती थी। हाँ एक्चुअली यार इतना अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं होता था, मतलब शायद उस टाइम पे ये भी था कि दिमाग में होता था कि यूट्यूब पे 5 से 6 मिनट से ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, बोर हो जाते हैं, और इसलिए कंटेंट काफ़ी छोटा होता था और ज़्यादा नहीं होता था। नहीं नहीं बट ऑडियंस से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो चीज़ आप देख रहे हो, जहाँ आपको खुशी मिल रही है, वो आप कैप्चर करो और आप अपने ऑडियंस को दिखाओ। आई थिंक देबिना वही करती है, जो भी वो खूबसूरत चीज़ें देखती है, जो भी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करती है और जो भी अच्छा नहीं लगता वो भी आप लोगों को दिखाती है, बताती है, आपके साथ शेयर करती है। आई थिंक आप जब अपने ऑडियंस को एक फैमिली बना लेते हो और फैमिली की तरह ट्रीट करते हो तो आई थिंक लोग अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए जो ब्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं कभी कभी खुद वापस देख लेता हूँ, पूरी फैमिली साथ में बैठ के बड़े से टीवी में देखते, इतना मज़ा आता है। हम लोगों ने आई थिंक 3-4 साल पहले पेरिस में जो क्रूज़ किया था, क्या हम इस बार बच्चों के साथ करें? ये मैंने गुरु को भी नहीं पूछा। गुरु एक्सप्रेशन जो कैमरे के पीछे था वो वाला एक्सप्रेशन। यार मैं बहुत ही सिंपली बात बताता हूँ कि ये बच्चों के साथ बहुत ही मज़ा आता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुझे पर्सनली अगर मेरी बात करो तो मुझे ना मैं थोड़ा वो कि बच्चे गिर ना जाए, पूरी फैमिली जो है वो ठीक रहे, चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि हम देश से अपने देश से बाहर हैं, कुछ भी हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस टेंशन में ना मैं ज़्यादा टेंशन ले लेता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल हैं घर पे और एक अच्छी प्रॉपर्टी में हम रह रहे हैं तो ज़्यादा ज़रूरी है। अरे लेकिन अगर प्रॉपर्टी में ही रहना था तो इंडिया बुरा था क्या? हमारा घर बुरा था क्या? वहीं पे छोड़ के आ जाते? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हम हमेशा से घूमते थे, अभी हमारी ज़िंदगी में 2 प्यारे से एंजल्स हैं, हम उनको छोड़ के। ये हमारा झगड़ा है। हाँ बाय द वे आप लोग को आज हमारा झगड़ा भी दिखा दे। हमारा झगड़ा ऐसा होता है, नहीं 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 हम ऐसे सोच रहे, नहीं 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 हमारा झगड़ा ऐसा होता है। इल्ला तो
हम लोग जेटेडू क्रॉस कर रहे हैं, वो जो बड़ा सा फाउंटेन है जिनेवा में। मैं आप लोगों को नज़दीक से जेटेडू दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा जो बोट है वो जेटेडू के एकदम नज़दीक आके रुका है। आप मुझे बताओ ऑन ए सीरियस नोट कि आपको नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, फाउंटेन होता है देखने में खूबसूरत होता है, ये तो एकदम एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि पाइप फट गया और पानी ऊपर तक जा रहा है बहुत फोर्स में। Right behind me is the Jetadu and oh my god, मुझे देख के इतना मज़ा आता है। I am clearly a water baby. मुझे बहुत मन कर रहा है मैं वहाँ पर जाके थोड़ा सा पानी में ऐसे गिली गिली हो जाऊँ। मेरा मन कर रहा है कि जाके उसको मैं बंद करा दूँ। हो गया, इस बंदे ने तो हमें सीधा एकदम पानी के बीच में झरने के बीच में लेके आया। जितना मैं इसको ना पसंद कर रहा था उतना ही ये मुझे उतना करीब लेके आ गया। लेकिन आई वुड से ब्यूटीफुल, अच्छा लगा, मज़ा आया। नज़दीक से आके गुरमीत को पता चला ये जो जेटेडू है ये कितना ऊंचा है। देखिए तुम पूरे गीले हो गए। पूरा मेरा बाल वेट वाला फील आ रहा है, वेट लुक। One hour later. 3:15 को शार्प हम यहाँ से निकले थे, शार्प 4:15 को ये हमें वापस लेके आ गया। इतना पंचुअल तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा, बट ओवरऑल काफ़ी इंजॉय किया हम दोनों ने। और ये निकलने को तैयार नहीं, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय किया। धूप देखो देबिना, धूप धूप तो है। मैं बोलने वाली थी चुभ नहीं रही है, लेकिन चुभ रही है बॉस। थोड़ी देर के बाद मैं छांव में आ गई। बच्चे लोग इरिटेटेड हो जाते हैं। ये मेरे लिए था। बात तो सही है। इतनी गर्मी है। Oh well, good कि मैंने स्किन में मेकअप के साथ साथ सनस्क्रीन भी लगाया हुआ है। आह, और मैं जा रही हूँ छांव में। वाह, ये है ब्रिज के नीचे। वाह, मुझसे भी ज्यादा तकलीफ हो रही है गुरु को। अभी मैं गुरु को भी थोड़ा सा सनस्क्रीन पाउडर लगा देती हूं। से नीचे से क्यों लेके आई? बोला उसने उधर जाने के लिए, बोला ऊपर से मत जाओ नीचे से जाओ। शायद उसको लगा कि हम ऊपर से रोड नहीं क्रॉस कर पाएंगे। अच्छा, हम विदेशी है, उन्हें नहीं पता हम इंडियन है, हम किधर से भी रोड क्रॉस कर सकते हैं। हम अभी जा रहे हैं टॉय ट्रेन में, लेकिन फिलहाल एक्चुअली हम धूप से बच रहे हैं। धूप है, इतनी धूप है। जादू को धूप चाहिए था। हम इतना बड़ा पीजे क्या करोगे इतने बड़े पीजे सुन के? कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? मैं सुन के हंसूंगा। हम है कि ट्रेन के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हम धीरे धीरे चलते चलते लेट हो गए। यहाँ पे लोग बहुत ही टाइम के पाबंद है, तो ट्रेन छूट ना जाए। ट्रेन छूटेगा तो दूर की बात, लेकिन ट्रेन इतना ज़्यादा खचाखच भर गया, मुझे भी भागना पड़ेगा। भाग, ये तो राहुल और सिमरन वाला काम हो गया, दोनों राहुल और सिमरन दोनों छूट गए। हमारा तो टॉय ट्रेन छूट ही गया। इतने लोग भर गए तो मुझे पता ही नहीं था। देखना आगे तक देखा, एक्चुअली एक जगह नहीं थी। हाँ, जगह ही नहीं थी। अगर हम पहुंच भी जाते, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि टिकट देते क्यों नहीं है जब जगह नहीं। गली से निकलते हैं, हम यहाँ आ गए हैं। अब ये कांड गुरु ही करेगा काम। We had a train around 5:15, but it was full pack. There was no seat. There was no seat. No. Yeah, but it was full. Fully packed. So it left around 5:10. Yes, there was a group today in the afternoon. There was some wagon left, but. Yeah, I mean, we were like, you know, waited and then it was full. No worries. You want to reschedule for tomorrow or you prefer to cancel?
No, we can go tomorrow. We can go tomorrow. Yeah. Thank you so much. Really appreciate that. तुम बहुत ही लकी हो गुरु. मैं लकी अली हूँ. अली भी हो गए क्यों? क्योंकि मैं लकी चौधरी नहीं हो सकते थे. हाँ मैं लकी अली लकी चौधरी सब हूँ. मैं कितने कंफर्टेबली बोल दिया कि फुल था. हाँ, मतलब फुल था, फुल तो था लेकिन मतलब ये भी नहीं बोले कि हम भी थोड़ा सा हम पहुँचने से पहले ना बिकॉज वी नो हम लोग इतने सालों से ट्रिप कर रहे हैं. 5:15 मतलब आप 5:15 को निकल जाती आप 5:14 को भी पहुंचोगे तो आप बैठ सकते हो. ट्रेन में भी होता हर जगह ऐसा होता लेकिन यहाँ पे वो पहले निकल गई 5:10 को क्योंकि सीट ही नहीं अवेलेबल थी. तो वो अगर किसी के लिए इंतजार भी करते तो क्या करते. तो बाहर से हम अंदर आ गए घर पे और घर पे मम्मी के हाथ का बना हुआ खाया. कैसे? अंडा करी मम्मी ने बनाया, कुछ राइस, सारे सब कुछ डाल के मिला के अंडा चिकन सब मिला के मम्मी ने एक राइस बनाया. वो मम्मी ने बनाया काली दाल. बस इसी से हम लोग कर रहे हैं लंच और ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं. कल डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे. और एयरबीएनबी के साथ जो हमारा साथ था जो आप लोग भी बोल रहे थे कि देयर ट्रिप्स आर स्पॉन्सर्ड, झूठ नहीं बोलूँगी. कुछ स्टेज जैसे कि ज़ूरिक और इंटरलाकन और जिनेवा का ये वाला स्टे हमारा एयरबीएनबी से स्पॉन्सर्ड था. उसके अलावा जो मॉन्ट्रू और जिनेवा में कल भी हम रहेंगे और उसके आगे भी जहाँ पे रहेंगे वो वुड बी डन बाय अस. सो हमारा जो एयरबीएनबी के साथ जो स्टे था वो कल हो जाएगा, मतलब आज रात को हो जाएगा समाप्त और कल से शुरू होगा हमारा खुद का स्टे. और इसी के साथ फिर कल मिलते हैं. आई डोंट थिंक वील डू एनीथिंग टुडे बिकॉज बाप रे गर्मी चढ़ गई. और उसी के साथ साथ हमें पता चला कि इंडिया का नाम चेंज हो गया है भारत. भारत सदा महान और हम सब भारतीय हैं. तो या सो भारत हमेशा ही महान है, महान रहेगा. इसी के साथ व्लॉग को यहीं पे फिनिश करती हूँ. सी यू टुमारो होपफुली. कल वापस से हेक्टिक है क्योंकि यहाँ से हम लोग शिफ्ट करेंगे दूसरे एयरबीएनबी में जो कि मैंने बुक किया. एयरबीएनबी हैज स्पॉन्सर्ड और मैंने खुद बुक किया. रहे तो एयरबीएनबी में ही रह रहे हैं क्योंकि मैं उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ. इसीलिए मैंने उन लोगों के साथ कोलैबोरेट किया. अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड आई डू नॉट कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो चीज़ पे मुझे भरोसा है अगर उनके साथ मेरा कोई एक यू नो एक कोलैबोरेशन हो रहा है मैं वही करूँगी. जो चीज़ मैं बिलीव नहीं करती हूँ ज़बरदस्ती आए हेलो पैसे दो चलो काम करो ये नहीं करती हूँ कभी भी. बट एनी वेज टुमारो वी आर शिफ्टिंग एंड सब कुछ दिखाऊंगी. आई विल कीप यू पोस्टेड. टिल देन कीप लविंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द बिना टी कोच. बाय. पापा बड़ी दाल पी रही है पापा के हाथ पर. क्यों तुमको तुम दाल पी रहे हो ना पियो पापा के हाथों दाल का पानी. हाँ.